हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका शर्मा रेसिपीज़। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही स्पेशल और ट्रेडिशनल डिश, सेवई की खीर। ये खीर बहुत ही स्पेशल है, इसे हमें सावन के महीने में ज़रूर बनाना चाहिए और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ही बहुत पसंद आती है। और इस खीर को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप जो खीर बनाएंगे वो भी एकदम मलाईदार और बढ़िया बनकर तैयार होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच घी। घी गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सेवई और सेवई को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि जो सेवई है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। सेवई को रोस्ट करके बनाने से जो खीर हम तैयार करेंगे वो एकदम बढ़िया बनकर तैयार होगी, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहेगी। सेवई को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे तो ये देखिए सेवई का कलर काफी चेंज हो चुका है और ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। इन्हें हम ट्रांसफर कर लेंगे किसी बर्तन में। कढ़ाई काफी गर्म हो चुकी है तो हमें इसे फटाफट से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करना है ताकि ये और ना सिक जाए। और ये देखिए रोस्ट करने के बाद सेवई का काफी अच्छा कलर भी आ चुका है। आइए अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें डालेंगे 2 गिलास दूध और मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ मैंने लगभग 1 लीटर के आसपास दूध इसमें लिया है। दूध को एक बार अच्छे से बॉईल होने देंगे। यहाँ मैंने फुल फैट मिल्क यूज़ किया है, इससे जो हम खीर बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी और मलाईदार बनेगी। दूध काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट की हुई सेवई। सेवई को हम यहाँ पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से कई बार क्या होता है दूध फट जाता है, इसलिए जब दूध अच्छे से उबलने लग जाए तब हम इसमें सेवई ऐड करेंगे। और दूध में भी उबाल अच्छे से आ चुका है और इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो सेवई है वो नीचे कढ़ाई में लगे नहीं। मीडियम हाई फ्लेम पर जो दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन सेवई है वो अच्छे से नहीं पकेंगी। तो इस तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। 8 से 10 मिनट बाद सेवई भी काफ़ी अच्छे से पक जाएंगी और ये देखिए जो दूध है वो काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और सेवई भी पक चुकी है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे तो ये सेवई काफ़ी अच्छे से पक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और यहाँ जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश इसमें ऐड किया है। ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को खीर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं जो खीर है वो काफ़ी अच्छे से गाढ़ी भी हो चुकी है। लगभग यहाँ पर खीर हमारी बनकर तैयार है। इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। चीनी आप यहां कम ज़्यादा कर सकते हैं और 1 से 2 मिनट बाद ये देखिए खीर बनकर तैयार है। बिल्कुल इसी तरह की खीर हमें यहां पर तैयार करनी है। और इसी के साथ दोस्तों तैयार है हमारी बहुत ही स्पेशल और ट्रेडिशनल डिश सेवई की खीर। खीर को आप ठंडा या गर्म जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसे खा सकते हैं। गरम गरम खीर आपको थोड़ी सी पतली लगेगी, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो एकदम गाढ़ी और मलाईदार बनकर तैयार होगी। और आपको यहाँ देखने से ही पता चल रहा है जो सेवई है वो बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है, एकदम खिली खिली बनकर तैयार हुई है। और सावन के महीने में सेवई की खीर तो बहुत ही स्पेशल होती है और आप इस खीर को किसी भी तीज त्योहार पे बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस यहाँ ध्यान रहे कि हमें जो खीर पकानी है उसे लो फ्लेम पर पकाना है और सेवई को घी में अच्छे से रोस्ट करना है। तो दोस्तों आप भी सेवई की खीर एक बार जरूर ट्राई करना, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ही बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।